सो किड्स, इन दिस वी विल लर्न अबाउट ओनली द फेस्टिवल्स. सो एज वी ऑलरेडी नो द बेसिक मीनिंग ऑफ द फेस्टिवल इज अ गैदरिंग ऑफ पीपल टू सेलिब्रेट समथिंग, एज यू ऑलरेडी नो. सो इन द अदर सेंस फेस्टिवल यूनाइट अस बाय मेनी वेज. फेस्टिवल हमें बहुत अलग तरीके से एक दूसरे से यूनाइटेड भी रखता है. ड्यूरिंग फेस्टिवल्स आर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स कम टू मीट अस इन दैट ऑस्पिशियस डे. ऑन दोज डेज वी फील रियली हैप्पी मीटिंग आर रिलेटिव्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. दैट वी ऑल नो दैट शेयरिंग एंड केयरिंग एलिमेंट इन द फेस्टिवल यूनाइट अस. आपको पता होगा बच्चों, देयर इज़ वन थॉट दैट इज शेयरिंग एंड केयरिंग इज़ वेरी गुड थिंग. हमें शेयरिंग एंड केयरिंग बहुत अच्छी चीज़ होती है और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ हम कब करते हैं, मोस्टली फेस्टिवल्स के टाइम पे. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग दिवाली वी इन्वाइट एवरी वन टू आर हाउसेज. दिवाली या और भी कोई फेस्टिवल्स होते हैं उसमें हम ईद हो गया, उन सब में भी हम बहुत सारे अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को इन्वाइट करते हैं अपने घर पर. एंड वन मोर थिंग इट्स द फेस्टिवल्स आर ऑफ टू टाइप्स. आपको पता होगा बच्चों फेस्टिवल्स कितने तरीके के होते हैं, दैट इज़ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज़ रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड सेकेंड इज़ नेशनल फेस्टिवल्स. सो वॉट इज़ रिलीजियस फेस्टिवल्स? अ रिलीजियस फेस्टिवल इज़ अ फेस्टिवल दैट इज़ सेलिब्रेटेड ओनली बाय दैट रिलीजन ऑफ विच द फेस्टिवल इज़ देयर. रिलीजियस फेस्टिवल हम उन्हें कहते हैं जो पर्टिकुलर किसी रिलीजन से बिलोंग करता है, या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोग किसी एक फेस्टिवल्स को मनाते हैं, उन फेस्टिवल्स को हम रिलीजियस फेस्टिवल्स कहते हैं. एंड सेकेंड वन इज़ अ नेशनल फेस्टिवल. वट इज़ अ नेशनल फेस्टिवल? इट इज़ अ फेस्टिवल दैट इज़ सेलिब्रेटेड बाय द होल कंट्री एंड अ हॉलीडे इज़ बीन डिक्लेयर्ड फॉर ऑल द स्कूल्स, ऑफिसेस, कॉलेजेस एट्सेट्रा. मोस्टली जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं उसमें हमें गेजेटेड हॉलीडेज मिलती हैं उस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए. एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ नेशनल फेस्टिवल्स आर दैट इज़ इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती एट्सेट्रा. एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स आर होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस एट्सेट्रा. सो वन मोर थिंग, फेस्टिवल हेल्प अस टू कीप कनेक्शन विद आर रूट्स, कल्चर, ओरिजिन. फेस्टिवल्स हमें एक तरीके का हमारा कनेक्शन बॉन्ड तैयार करता है जो हमें हमारे रूट्स, हमारे जो भी हमारे एंसेस्टर्स थे या जो हमारे कल्चर्स, हमारे वैल्यूज़ होते हैं उनके साथ हमें कनेक्शन प्रोवाइड कराता है. एंड वी दिस इज़ आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व इट. ये हमारी ड्यूटी है कि हमें अपने फेस्टिवल्स को प्रिजर्व करके रखना चाहिए. दे रिवील अस फ्रॉम मोनोटोनी ऑफ लाइफ. फेस्टिवल टीच अस टू फॉरगेट एनिमिटी. फेस्टिवल्स हमें ये सिखाता है कि हमें हर किसी से प्यार से रहना चाहिए, हमें कभी भी जो दुश्मनी की भावना होती है उसे अपने अंदर नहीं लाना चाहिए. द टाइम ऑफ फेस्टिवल कम्स द ऑरा चेंजेस, पॉजिटिविटी ऑल अराउंड. मोस्टली हम क्या होता है कि जब फेस्टिवल्स का टाइम आता है तो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो हमें कैसा फील होने लगता है, अच्छा फील होने लगता है. हमारे आसपास का जो ऑरा होता है वो चेंज होता है, पॉजिटिविटी फील होती है. सो दिस इज़ the very good thing to celebrate all the festivals. ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें सारे festivals को celebrate करना चाहिए. So that's all for the festivals, kids. I hope now the concept related to the festival is all the clear. So you have to prepare an essay for your weekly test. Kids, this time I will take your oral test. इस समय मैं आपका oral test लूँगी for 10 marks. So you have to prepare well for your upcoming weekly test. Once again I remind you, your topic is an essay of your favorite festival. Whatever is your favorite best festival, you have to prepare an essay. So word limit is 100. In this, okay, we will learn about only the festival.